उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में दंगाइयों ने भजनपुरा इलाके में सैयद चांद बाबा मज़ार में आग लगा दी थी। दंगे के बाद अब हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय के लोग सैयद चांद बाबा मज़ार को बनवाने के लिए सामने आए हैं। उनका कहना है कि वो लोग मिलकर मज़ार को एक बार फिर बनवाएंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि दशकों से वो लोग चांद बाबा के मज़ार को देखते आ रहे हैं। सभी धर्मों के लोगों की इस मज़ार में आस्था है, लेकिन दंगाइयों ने इसमें भी आग लगा दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने कहा कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मज़ार को दोबारा से बनवाएंगे, ये अच्छा फैसला है। ये मज़ार जब से हम यहाँ यमुना विहार में आए हैं तब से हम देख रहे हैं और लोगों की इसमें आस्था है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी घटना हुई है। हाँ, ये मज़ार बहुत पुरानी है, मैं तो इसको देखती आ रही हूँ कम से कम 30-35 सालों से, जो तब से हम यहाँ रह रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण इस हादसे में जो इस मज़ार को तोड़ा गया, बहुत गलत काम किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सिख सब अपना भाईचारे से रहते हैं यहाँ पे हम, और बहुत दुख हुआ सुन के कि किसी भी धार्मिक स्थल को ऐसे तोड़ना और उसके बाद में किसी की ठेस पहुंचाना किसी के दिल को, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी पूजा का स्थल है, ऐसे ही हमारे मंदिर हैं जो हमारी पूजा का स्थल है, तो गुरुद्वारे हैं हमारे पंजाबियों के पूजा स्थल हैं, तो हम नहीं चाहते भी किसी के भी धार्मिक स्थल को ऐसे तोड़ा जाए। दोबारा सब लोग मिलकर ये मज़ार बनाएंगे, अगर इस ये मज़ार दोबारा बनता है तो बहुत अच्छी बात है और सारे धर्म के लोग इसको मिलकर बनाएं तो और बढ़िया बात है। दंगे के एक हफ्ते बाद एक बार फिर मज़ार पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मज़ार के आसपास लगने वाली फूलों की दुकान एक बार फिर सजने लगी है।